ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, 29 नवंबर शुक्रवार के दिन आपके जीवन में आने वाली खुशियां, होने वाली सफलता और किन परेशानियों से आप परेशान रहेंगे, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने से पहले चलिए हम जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज अघन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शूल योग बन रहा है। आज का शुभ मुहूर्त 1:49 से 2:30 तक रहेगा। आज का राहु काल 10:47 से 12:05 तक रहेगा, यानी दोपहर का 1 घंटा 18 मिनट का जो समय होगा, इस दौरान आप कोई भी शुभ काम ना करें। तुला राशि वालों, आज आप अपने दिन का शुभ आरंभ पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और आपका लकी नंबर 4 होगा। तुला राशि वालों, चंद्रमा का उदय आपके राशि के तृतीय भाव में होने जा रहा है, जो आपके पराक्रम और महत्वाकांक्षा का घर है। जहां पहले से शनि, केतु और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तुला राशि वालों, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शूल योग में आपकी राशि पर शुक्र, शनि, बृहस्पति और बुध का प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी आज आप शुक्र, शनि, बृहस्पति से ज्यादा प्रभावित रहेंगे। आज आपका स्वभाव विनम्र होगा और रूप से आप आकर्षक दिखेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। अपने बातों पर आप अडिग रहेंगे। अगर आपने किसी को कोई जवान दे दिया, तो आज आप उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज आप में एक अलग तरह की आत्मविश्वास पैदा होगी। जो शनि, केतु और बृहस्पति के योग से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तुला राशि वालों, आज आप किसी भी काम में हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप जो ठान लेंगे वही करेंगे, वही काम आप करके भी रहेंगे। आज लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। आज समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि होगी। आज आपका उत्साह आपको सफलता देगा, यानी तुला राशि वालों, आपके पराक्रम में चंद्रमा का उदय आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। जहां पहले से शनि, केतु और बृहस्पति गोचर कर रहा है, आज आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी कभी इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ा से बड़ा काम कर जाता है, तो आज आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला दिन है, जिसके कारण आज आप धन कमाने का अच्छा अवसर मिलेगा। भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग बन रहा है। तुला राशि वालों, आज समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। आज आपका उत्साह आपके जीवन में सफलता देगा। आज आप देखेंगे कि परिवार से आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, पर आप परिवार के प्रति आपका अपना कर्तव्य निभाएं। आज आपके भाग्य में सुख लिखा हुआ है। तृतीय भाव में बृहस्पति का आना आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। आज आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, हर कुछ पा लेना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, प्यार हो, नौकरी हो या व्यापार हो, आप हर जगह आगे रहना चाहते हैं। आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको प्रेरित कर रहा है कि आप हर काम अपने से करें
और सफलता अपने दम पर पाएं। तुला राशि वालों, आज आपके लिए सौभाग्यशाली योग बन रहा है। इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि पढ़ाई में उन्नति और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज आपके लिए दिन बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसी पढ़ाई से आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगा और आप अच्छा धन कमा पाएंगे। तो तुला राशि वालों, अपने लक्ष्य के प्रति आप मेहनत से लग जाएं, अपने आलस का त्याग करें, आलसी ना बने, मेहनत करें, कर्म योद्धा बने, सफलता आपको मिलने जा रही है। तुला राशि वालों, आज आपका लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होगा। इसके पीछे कारण ये है कि आज आप शुक्र ग्रह से ज्यादा प्रभावित हैं। जब इंसान के ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उसमें एक अलग सी आकर्षण होती है, जो किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो आज आप आकर्षण में रहेंगे, आपको कोई प्यार भी हो सकता है, किसी के प्रति आप बहुत लगाव भी रख सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आज आपका लव लाइफ अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा, जीवन का आनंद उठाएंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी। घर परिवार का तो साथ आपको आज नहीं मिलेगा, फिर भी आप घर के प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। घर में जो भी थोड़ी बहुत मन मुटाव चल रहा है, कोशिश करें उसका समाधान निकले, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि जब घर परिवार साथ मिलकर उत्साह से कोई काम करता है, तो इंसान के जीवन में सफलता और धन कमाने का अवसर आता है। तुला राशि वालों, आज नौकरी में आपका दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा। इसी आत्मविश्वास के कारण आपको नौकरी भी मिलेगी। आज बृहस्पति और केतु का प्रभाव आपको नौकरी के प्रति ज्यादा आकर्षित करेगा। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएं, अच्छे से इंटरव्यू दें, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाएं, अच्छे से एग्जाम दें। आज आपके लिए नौकरी का योग बन रहा है, जीवन में सफलता का योग बन रहा है, जिसके कारण आप भविष्य में बहुत धन कमाएंगे। तो तुला राशि वालों, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और मेहनत से किसी भी काम को कीजिए। तुला राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए शनि, शुक्र और बुध बहुत शुभ योग बना रहा है। मानो लक्ष्मी की कृपा आप पे होने जा रही है। आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करें, देखेंगे धन कमाने का अच्छा अवसर मिलेगा। पर थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केतु और मंगल आपके लिए संकट पैदा करेगा। इसी के लिए पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें, अपने पार्टनर पर ज्यादा विश्वास ना करें। कभी कभी ज्यादा विश्वास धोखा का कारण हो जाता है। तो तुला राशि वालों, आज आप आंख खोलकर मेहनत से, ईमानदारी से काम करें, सफलता आपको मिलने जा रही है। हनुमान जी का पूजा करें, महादेव की पूजा करें, देखिए आपके जीवन में कितनी सुख मिलने की संभावना बन रही है। तुला राशि वालों, अगर आप महादेव जी का पूजा करते हैं, तो महादेव जी का जल के साथ भस्म भी चढ़ाएं और साथ में नंदी को मीठा का भोग लगाएं, यानी नंदी के मुख में मिश्री सटाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप देखेंगे आपके जीवन में भी धन कमाने का अच्छा अवसर मिलेगा। तुला राशि वालों, 29 नवंबर शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। इस दिन का आप लाभ जरूर उठाएं। आप किसी भी काम को मेहनत से करें, धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली होंगे। सरकारी क्षेत्र में आज आपको कोई सफलता मिलेगी, यानी सरकारी नौकरी मिले, सरकारी ठेकेदारी मिले, या आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें लाभ मिलने का योग बन रहा है। धन कमाने का बहुत अवसर मिलेगा, एक से ज्यादा स्रोत से आप धन कमाएंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में खुशहाली अपने आप आएगी। तो तुला राशि वालों,
आज सिर्फ मेहनत करें, सिर्फ मेहनत करें और सिर्फ मेहनत करें, देखें सफलता अपने आप तक मिलेगी। सफलता मानो आपके कदम चूमेगी, सिर्फ आपको मेहनत करना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तुला राशि वालों, राशिफल देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का योग बनेगा। आप देखेंगे आपकी तकलीफें दूर होगी और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।